दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। माँ बनने का सपना करें साकार। जावित्री हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां 80% तक सफल परिणामों के साथ 8000 से ज्यादा निसंतान दंपतियों को मिला है संतान सुख का वरदान। जावित्री हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। इस साल 19 अगस्त तक यूपी पुलिस ने राज्य में 139 लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगाया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक इनमें से 76 मामले गोहत्या से जुड़े हैं। 31 अगस्त तक सिर्फ बरेली पुलिस जोन में ही 44 लोगों पर NSA के तहत मामला दर्ज किया गया। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 2020 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में अब तक 6 लोगों के खिलाफ NSA लगाया है। 37 लोगों पर जघन्य अपराधों के लिए, वहीं 20 लोगों पर अन्य अपराधों के लिए NSA के तहत मामला दर्ज किया गया है। NSA के तहत इस साल की शुरुआत में की गई 13 गिरफ्तारियां नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में हुए प्रदर्शनों से जुड़ी हैं। अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि उन आपराधिक मामलों में NSA लगाया जाए जिनसे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, ताकि अपराधियों के मन में भय और आमजन के बीच सुरक्षा का भाव पैदा किया जा सके। NSA के अलावा इस साल 26 अगस्त तक राज्य में गोहत्या निवारण अधिनियम यानी कि उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट के तहत 1716 मामले दर्ज किए गए हैं और 4000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने में असफल रहने पर 32 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। इसके अलावा पुलिस ने 2384 लोगों के खिलाफ यूपी गैंगस्टर्स एक्ट और 1742 लोगों के खिलाफ समान आरोपों में गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कहां-कहां ज्यादा हैं मामले। बहराइच में गोहत्या के आरोप में 6 सितंबर को एक व्यक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। गोरखपुर पुलिस जोन में गोहत्या के लिए NSA के तहत हुई ये दूसरी गिरफ्तारी है। बिजनौर पुलिस ने अगस्त के अंत तक NSA के तहत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी को गोहत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जुलाई के अंत तक 4 अन्य पुलिस जोन में गोहत्या के आरोप में NSA के तहत मामला दर्ज किया गया। ये है मेरठ, आगरा, वाराणसी और गोरखपुर। इतने लोगों पर NSA लगाने के सवाल पर बरेली जोन के अतिरिक्त महानिदेशक अविनाश चंद्रा का कहना है कि इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी इकट्ठा कर गोहत्या में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या फिर रासुका, ये ऐसा कानून है जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर स्थानीय प्रशासन को किसी व्यक्ति से देश की सुरक्षा और सद्भाव को संकट महसूस होता है, तो ऐसा होने से पहले ही पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ सकती है। यह कानून प्रशासन को किसी व्यक्ति को महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है। इस कानून को 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा शक्तियां देने के लिए जोड़ा गया था। कुल मिलाकर यह कानून सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति देता है। सरकार को यदि लगता है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कामों को करने से उसे रोक रहा है, तो भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून का इस्तेमाल जिला अधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में कर सकती है। अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है, तो सरकार उसे भी गिरफ्तार करवा सकती है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।